नहीं चरणों को बाहर करके ले गए। उस पर टिटही आपने कभी सुना है? कैसे टिटही होती है? नहीं सुना आपने? तो भारत जाना पड़ेगा आपको। बहुत जोर से टिटही रोती है। और एक और भी कहावत है उसके बारे में, जिब टिटे भी खग सूत उताना। टिटही जब अपने अंडों से इतना प्यार करती है बच्चों के ऊपर, जब वो सोती है तो बच्चों को नीचे करके ऊपर पाँव करके ऐसे सोती है। क्यों? इसलिए ऊपर पाँव करके सोती कि कहीं ये आकाश गिर ना जाए तो मैं इस आकाश को थाम लूंगी। चिड़िया अपने दोनों पाँव करके सोती है कि जिब टिटे भी खग उमा रावण है। रावण के बारे में कहा है, उमा रावण है अस अभिमाना, जिब टिटे भी खग सूत उताना। टिटे भी खग सूत उताना, उतारना ऊपर को पाँव करके सोता है। टिटे भी नाम का पक्षी। तो एक ऋषि को दया आ गई कि टिटही के रोने की करुणा को बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने समुद्र पी लिया। और उस ऋषि ने ऋषिमुनियों की रोने की आवाज नहीं सुनी। ऋषिमुनियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लग रहा है, उसने उसकी आवाज नहीं सुनी। ऐसे सिद्ध थे हमारे समय उस समय पर जिन्होंने 3 दिन में समुद्र को पिया। और आप वैज्ञानिक थे कि नहीं उस समय? आज का वैज्ञानिक प्रयत्न कर रहा है कि परख नली के द्वारा बच्चों को पैदा किया जाए। यदि कोई बच्चे पैदा करने में सक्षम ना हो तो उन्हें भी किसी तरह से बच्चे उपलब्ध कराए जा सके तो दूसरी प्रक्रिया से बच्चे पैदा किए जाए, इसका प्रयत्न चल रहा है। अभी तुम प्रयत्न कर रहे हो, उस समय पर विज्ञान कर चुका था ये काम। विश्वामित्र जी ने कहा मैं तो साधु बन गया, अब हम शादी तो करेंगे नहीं। शादी नहीं करेंगे तो साधुओं को भी तो बच्चे चाहिए ना। ये क्या गृहस्थियों से मांगना पड़ता है कि एक योगेश दे दो उनको। हाँ सीधे तो क्या करें? तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने उपाय किया कि पेड़ों से पैदा करें। उन्होंने विज्ञान ये कौन थे मालूम है आपको? किसने पेड़ों से बच्चों को पैदा करना चाह रहा है? बाद में रोका गया था। पर इतने में वो पहुंच चुके थे कि बच्चे लग चुके थे पेड़ों से लटकते। ये जो आदमी जो अभी मनुष्य पति पत्नी से पैदा हो रहे हैं ना, वो महात्मा ने सोचा कि हम तो साधु हैं, हम शादी करेंगे नहीं तो बच्चे तो हमको भी चाहिए, तो कहा हम पेड़ से पैदा करेंगे। वो वैज्ञानिक थे विश्वामित्र। ये जो सप्तऋषि है ना जिनको तुम आकाश में देखा करते हो, ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे, यही ऋषि कहलाए। ऋषय न भाति इति ऋषि, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संसार को कुछ दिया। संसार उसी को याद करता। तुम माना कितनी भी जपते रहो संसार आपको याद नहीं करेगा। अगर आप अपने शोध से विज्ञान से समाज को कुछ देते हो तो समाज आपको याद करता। इन ऋषि मुनियों ने दिया है कुछ, उसी के लिए दुनिया आज उपलब्ध करती है। तुम भी ऋषि की संतान। हर एक इंसान के पीछे गोत्र में कोई ना कोई ऋषि का नाम भी है। आप भी कर सकते हो। तो इसलिए इतने बड़े बड़े सिद्ध भी उस समय पर थे, राजा भी उस समय पर थे, योद्धा भी उस समय पर थे, वैज्ञानिक भी उस समय पर थे। विश्वामित्र जी ने कहा हम पेड़ों से। नारियल क्या है? नारियल मनुष्य का रूप है। आप देखो उसमें आंखें हैं, उसमें मुंह है, सब कुछ था, लटक चुके थे, अब बस प्राण संचार करने वाले थे। विश्वामित्र जी, ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, बाबा ये क्या कर रहे थे? ये तो 2 शक्तियां हो जाएंगी, एक तरफ मेरी शक्ति होगी, हिंदू मुसलमान का चक्कर काट डाल रहा है, एक हमारी शक्ति होगी, एक तुम्हारी शक्ति होगी, उसी में झगड़ा चलता रहेगा। ये विश्वामित्र जी की शक्ति वाले हैं, ब्रह्मा जी की शक्ति वाले हैं, और ये झगड़ा कभी नहीं बंद होगा। इसलिए महाराज ब्रह्मा जी की शक्ति रहने दो, आप बंद कर दो। विश्वामित्र जी को बंद करना पड़ा। महात्मा ने उनसे निवेदन किया और तब उन्हें बंद किया। इतने बड़े वैज्ञानिक थे। तो आप सोचो कि इतने बड़े वैज्ञानिक। हाँ जी साधुओं को बच्चों की जरूरत थी, जैसे विश्वामित्र जी को जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कि तो आगे कैसे चलेगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे कैसे चलेगा? नहीं मैं बता रहा हूँ उसको, देखो ना, जैसे विश्वामित्र जी को जरूरत पड़ी क्योंकि उनको अपने ढंग से उनको शिक्षित करना था, और शिक्षित करने के लिए फिर आखिर वो दशरथ जी के यहाँ जाना पड़ा और उनसे 2 बच्चों को मांगना पड़ा कि राम लक्ष्मण अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बद में हो सना था,
क्योंकि वो उनके माता पिता इतने अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे थे कि वो तैयार नहीं थे युद्ध में लड़कों को भेजने के लिए। और विश्वामित्र जी ने कहा कि हम ले जाते हैं उनको, उन्होंने अपना बच्चा बना करके उनको तैयार किया, रणभूमि उनको खड़ा किया। इसलिए समाज में एक दिशा देने के लिए ऐसे विरक्त शिष्यों की परंपरा की आवश्यकता शुरू से रही है। जैसे रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्य हुए, कबीरदास हुए, रविदास हुए, धन्नाजाट हुए, और इन सभी शिष्यों ने अपनी अपनी परंपराओं के माध्यम से जो मुगल शासन काल था उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में राष्ट्र को बचा करके रखा। जैसे कि आप गुरु गोविंद सिंह जी को देखिए, उन्हें 5 प्यारे की जरूरत क्यों पड़ी, उनको अलग से जरूरत पड़ी और फिर उन्होंने 5 प्यारे लिए। उन्होंने दिखाया कि हमें ऐसे समर्पित लोग चाहिए जो अपना सिर काट सकता हो। तो बाहर लोग खड़े हुए थे, उनमें से एक को बुलाया और अंदर में लेकर के उन्होंने एक बकरा रखा था, उसके सिर को काटा, रक्त बाहर निकला तो बाहर के लोग तो धक हो गए, मार दिया उसको, अब कौन जाए अंदर। लेकिन फिर भी उनमें लोग थे गुरु के लिए जाने वाले और वो फिर अंदर चले गए। फिर दूसरे तो वो बस्ता मार नहीं रहे थे उसकी जगह पर एक बकरे को, ऐसे के समझ लो कि तुम्हारी मौत हो गई, अब लड़ो तुम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया कि अर्जुन तू समझ ले कि तू जिंदा है नहीं, तू हरदम अमर है, मरने और टिकने का कुछ नहीं, फिर तू लड़, पर तुझे डर ही नहीं रहेगा। इसलिए ये जो मरने आने का चक्कर है ये कोई ना मरता है ना जायते मृते व कदा चन्नाय भूता भूता ना भूया अजो नित्यम शाश्वत एवं प्राणी ना हन्यते हन्न माने शरीर। गीता यही बताती है कि तुम शाश्वत हो। तो ऐसे लोगों की टोली को तैयार करने के लिए ही उनको शिष्यों की, वो पुत्री होते हैं गुरु के लिए, जो शिष्य होते हैं वो पुत्री होते हैं। जैसे हमने अपने गुरु जी के लिए पुत्र का काम किया, जो उनकी आकांक्षा थी उनको लेकर के मैंने संवाहन आगे बढ़ाया, पर गृहस्थ के जीवन में रह करके उनको करना कठिन होता है। क्योंकि जो ही आप बढ़ोगे तो आपको याद आएगा मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ऐसी कई चीजें होती, तो इसलिए उनको आवश्यकता पड़ती है समर्पित शिष्यों की, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं आपको ये बता रहा था कि विश्वामित्र जी महाराज भी थे और लोग थे, ऐसे लोगों के होने के बावजूद भी क्या नहीं था, केवल एक चीज नहीं थी कि इन सब में परस्पर पर संगठन नहीं था। आज भी हिंदू धर्म में यही है, हिंदू धर्म में जितने ज्ञानी है बाहर नहीं है, हिंदू धर्म में जितने वैज्ञानिक है बाहर नहीं है, हिंदू धर्म के अंदर में जितने योद्धा है बाहर नहीं, लेकिन परस्पर संगठन नहीं है, संघों से कर लिए। और इसलिए कहते ही नहीं ये निर्णय लिया कि अगर मैंने विवाह किया तो मैं एक ऐसे बच्चे को जन्म दूंगी जो रावण के साथ में युद्ध करे, जो निशाचर का बन गए। और इसलिए वो कहते हैं या तो मैं ऐसे ऐसे पति के साथ में विवाह करूंगी कि वो युद्ध करे। दशरथ जी युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे, परशुराम जी युद्ध क्यों नहीं कर रहे थे, इन दोनों के रीजन थे। दशरथ जी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होने के नाते हम ब्राह्मण से युद्ध कर नहीं सकते और इसलिए वो युद्ध नहीं करते। और ये बात महाभारत में भी उठ करके खड़ी होती, जिस वक्त में अश्वत्थामा ने 5-5 पांडव पुत्रों को वध कर दिया, पांडव पुत्रों को, उस समय यही हुआ कि ब्रह्म बंधु नांतव्य, ये ब्राह्मण है। और द्रौपदी ने कहा मुच्छता मुच्छता वे सो ब्राह्मणो नितरां गुरु, अरे इसे छोड़ दो ये ब्राह्मण है, नित्य बंधनी गुरु है। तब भीष्मपितामह ने कृष्ण से पूछा कि आप भगवान मुझे बताओ क्या ये छूट होनी चाहिए ब्राह्मण को, कुछ भी करता रहे तिलक लगा करके। तो श्री कृष्ण जी ने क्या जजमेंट दिया। कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म बंदर न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन आतताई बधारण, जो आतताई हो गया हो, उपद्रवी हो गया हो, राष्ट्र के लिए हिंसक हो गया हो, अकारण मानवता में हिंसा फैला रहा हो, वो ब्राह्मण हो तो भी उसे मार देना चाहिए। ये